असल दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ आज टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लिटरेरी तो हु इज़ कैथरीन कैथरीन बैल्जे कौन है ये एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हैं जो कि अपने वर्क क्रिटिकल प्रैक्टिस की बेस पे बहुत फेमस हैं क्रिटिकल प्रैक्टिस जो है वो नाइनटीन में पब्लिश हुई विच अ स्टेपल इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म कोर्सेज वर्ल्ड वाइड इनका वक क्रिटिकल प्रैक्टिस एक ऐसा वक है जिसके अंदर कैथरीन बैल्जे जितनी भी ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसम्स चलती आ रही हैं ट्रेडिशनल लिटरेरी थ्यूरी चलती आ रही हैं उनको चैलेंज करती हैं उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चैलेंज करती हैं और न्यू वेज ऑफ इंटरपोटेशन को इनकेज करती हैं फॉर इंस्टेंस इन्होंने बात की एक्सप्रेसिव रियलिज्म की रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की ऑथर बेस्ड ऑथर ओरिएंटेड स्टोरी थ्योरीज की बात की इन्होंने सब थ्योरीज को वन बाय वन डिस्कस करके शी रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया एंड एंड पे आकर वो एक थ्योरी को फेवर करती हैं किस बेस पे कहते हैं ये जो थ्योरी है यहाँ पे मीनिंग लाए करते हैं इनका ये वर्क लिखने का पर्पज़ ही है कि वेयर डज़ द मीनिंग लाए मीनिंग कहाँ पे लाए करता है एंड शी ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन वेयर डज द मीनिंग लाए वन बाई वन किस तरह से स्टेप बाई स्टेप मल्टीपल थ्यूरीज को एनालिसिस करके उनको एनालाइज करने के बाद उनको इंटरप्रेट करने के बाद एक ओवरव्यू दे के अपन अपना ओपिनियन अपना व्यू शेयर करके एंड पे कंक्लूड करती हैं कि हाँ मीनिंग यहाँ पर लाया करता है कहाँ पर हम वन बाय वन देखने वाले हैं एनी हाउ इस वर्क को स्टार्ट करने से पहले इनके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स मैंने स्क्रीन पर लिखी हैं इन टर्म्स का आपको पता जरूरी है तो ये लिटरेरी थ्यूरीज हैं और हमारी जो रिस्पेक्टिव राइटर हैं वो अपने इस वर्क के अंदर मैंने बताया मल्टीपल लिटरेरी थ्यूरीज को वन बाय वन डिस्कस करती हैं उनके आइडियाज़ को डिस्कस करती हैं देन उनके आइडियाज़ को वन बाय वन रिजेक्ट करती हैं कोई ना कोई लॉजिक दे के कोई ना कोई बेस पे ठीक है तो क्योंकि जब आपको थ्यूरीज का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इस वर्क को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसीलिए मैंने कुछ थ्यूरीज के नेम स्क्रीन पर लिखे हैं जिनको राइटर ने डिस्कस किया है और मैं इनका कॉन्सेप्ट ब्रीफली आपके साथ शेयर करने वाली हूं तो पहले कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर वॉट इज कॉमन सेंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर बात की जाए तो कॉमन सेंस हम कहते हैं उन आइडियाज को जो के सोसाइटल सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है मींस लिटरेचर शुड मेक सेंस टू मोस्ट पीपल एंड फॉलो सोशटल नॉर्म्स और ये ऐसा लिटरेचर हो विच इज रिलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू अ वाइड ऑडियंस के कोई भी आम आदमी आम ऑडियंस उसको इज़ीली पढ़ सके उसको अंडरस्टैंड कर सके और इसके अंदर बात यह की जाती है अगर मीनिंग की बात की जाए तो मैन इज द ओरिजिन ऑफ एंड सोर्स ऑफ मीनिंग ऑफ एक्शन एंड ऑफ हिस्ट्री ठीक है कि मैन ही क्या है ओरिजिन है मैन ही सोर्स ऑफ मीनिंग है एक्शन है और सोर्स ऑफ हिस्ट्री है मीन्स ह्यूमन बींग के थ्रू ह्यूमनिज्म के थ्रू ही मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है टेक्स्ट के अंदर मीनिंग को देखना है तो जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उन लैंग्वेज को देखें जो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको देखें और इसमें यह भी बताया गया है कि जो मीनिंग है वो कहाँ लायक कर रहा है वो एवरीडे लैंग्वेज में लायक कर रहा है वो लैंग्वेज जो कि डेली यूज में है जो कि सोशटल नॉर्म्स को सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं वैल्यूज़ को कन्वेंशन को फॉलो कर रही हैं उनके मैनर्स को फॉलो कर रही हैं ठीक है थीके? तो ये था कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर फिर उसके बाद आता है जी एक्सप्रेसिव रियलिज्म अब ये क्या है एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहता है कि जो टेक्स्ट है वो ऑथर के इनर थॉट्स और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करती है ठीक है यानी हम कह सकते हैं ऑथर ओरिएंटेड जो है बात की जा रही है इस कॉन्सेप्ट के अंदर मीन्स टू से यहाँ पे क्या गया है कि जो ऑथर है उसकी इम्पोर्टेंस है ऑथर के इनर था एंड फीलिंग्स की इम्पोर्टेंस है जो रीडर का रोल क्या है रीडर का रोल यहाँ पे यही है कि ऑथर के माइंड को और उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना ठीक है तो यहाँ पे ये यह है एक्सप्रेसिव रियलिज्म यानी कि राइटर सेंटर्ड बात की गई है इसके अंदर न्यूक्रटिसम वो कहता है ना ऑथर की जरूरत है, है ना रीडर की जरूरत है सिर्फ टेक्स्ट जो है ना वो मीनिंग hey. कैरी करती है रीडर का काम क्या है टेक्स्ट को पढ़ना और टेक्स्ट से मीनिंग इंटरप्रेट करना ठीक मीन चाहिए टेक्स इट सेल्फ हैज मीनिंग टेक्स्ट खुद जो है मीनिंग कैरी कर रही है तो न्यूक क्या हुई टेक्स्ट सेंटर्ड हुई फिर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी नेम इंडिकेट कर रहा है इस पर बात की गई है कि ऑथर ने टेक्स्ट प्रोड्यूस कर दी ऑथर की टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के बाद अब टेक्स्ट मिल गई है अब इट इज डिपेंड ऑन द रीडर या अभी रीडर पे डिपेंड करता है कि उसने कैसे टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है वो इस टेक्स्ट को मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट कर सकता है जैसे चाहे वो इंटरप्रेट कर सकता है क्योंकि अब सारा के सारा रोल ही रीडर का है ऑथर की डेथ हो चुकी हुई है ये रोनाड बार्ट का एक वर्क है यस रोनाड बाट्स का एक वर्क है डेथ ऑफ ऑथर जिन्हें वो यही बात करते हैं कि जब ऑथर ने अपना एक लिट्रेरी वर्क प्रोड्यूस कर दिया तो उसकी प्रोडक्शन के बाद जो ऑथर है उसकी खुद की डेथ हो जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती अब उसका लिटरेरी वर्क मौजूद है तो अब उस वर्क को एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है मीन्स ऑथर के वर्क की वैल्यू है ऑथर की वैल्यू नहीं है ऑथर की डेथ हो चुकी हुई है और इसी आइडिया को लेके रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर बताया गया है कि रीडर सेंटर्ड ठीक मतलब रीडर मैटर करता है रीडर के ओपिनियन मैटर करते हैं रीडर का व्यू मैटर करते हैं तो आइडियोलॉजी होता क्या है अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ आपको तो ये सेट ऑफ आइडियाज बिलीफ और वैल्यूज होते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस में शेयर करते हैं यानी कि कैसे वर्ल्ड को देखना है उसके बारे में कैसे सोचना है क्या राइट right है क्या रॉन्ग है इनको लेके कैसे बिहेव करना है ये सब कुछ आइडियोलॉजी के अंदर फॉल करता है लेकिन एल्थ्यूजर ने क्या कहा आइडियोलॉजी के बारे में एल्थ्यूजर ने कहा कि आइडियोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉट पीपल बिलीव इन देयर हेड्स कि लोग जो अपने जहन के अंदर अपने माइंड माइंडल चीज़ें आ रही है ना उनके ऊपर बिलीव रखते हैं उसके बारे में नहीं है ये क्या है साथ साथ उसी के साथ साथ इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल्ड कैसे सोसाइटी जो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है एल्थीजन ने यह भी कहा कि जो पावरफुल ग्रुप्स हैं ना वो क्या करते हैं स्कूल मीडिया रिलीजन इन चीज़ों को यूज करके अपनी आइडियाज को सपरेट करते हैं ताकि अपनी सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल को मेनटेन कर सकें और इस चीज को वो आई डी एस यानी कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेट का नेम देता है फॉर एग्जाम्पल स्कूल बट ऑल्सो वेज ऑफ थिंकिंग दैट स्पोर्ट द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ठीक है कि ना स्कूल हम लोग को फैक्ट सिखाता है बल्कि वेज ऑफ तो थिंकिंग भी बताता है जो कि स्पोर्ट करता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर को यानी अगर और सिंप्लीफाई करके बताऊँ मैं आपको तो एल फ्यूचर के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी क्या है ये पर्सनल बिलीफ से भी आगे की चीज़ है इसका मानना ये है कि आइडियोलॉजी को यूज करते हुए क्या करते हैं लोग सोसाइटीज के अंदर कैसे अपने सर्टन ग्रुप ने कैसे अपने पावर को मेनटेन रखना है और कैसे अपने पावर को लेके किस तरह से लोगों की जो थिंकिंग है उनको इन्फ्लुएंस करना है किस तरह से इंस्टीट्यूशन का यूज़ करके एवरीडे प्रैक्टिस का यूज करके लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करना है और अपनी पावर को मेनटेन रखना है सब कुछ फॉल करता है आइडियोलॉजी की कैटेगरी के अंदर ठीक है यानी सिंपल मैं कहूँ कि आइडियोलॉजी क्या है अपनी पावर को मेनटेन रखना अपनी पावर को मेनटेन किस तरह से रखना के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को यूज करके अपनी आइडियोलॉजीज अपने बिलीव अपने जो है uh, वैल्यूज उनको स्प्रेड करना और जो लोअर uh, रैंक पे लोग हैं उनको एक्सप्रेस करना और अपर रैंक पे अपने आप को मेनटेन रखना ये है कॉन्सेप्ट लुइस अल्थ्यूजर का जिसके लिए अल्थ्यूजर ने बाकायदा कहा है कि आइडियोलॉजी इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी बट रेदर आर मटीरियल प्रैक्टिस दैट प्रोड्यूस सब्जेक्ट्स यानी कि एक मटीरियल प्रैक्टिस होती है किस तरह हमने देखा अभी पावर को कंट्रोल किया जा रहा है पावर को मेंटेन रखा जा रहा है और अपने आइडियाज को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू सप्रेट किया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है ये मटेरियल प्रैक्टिस हो रही है दैट प्रोड्यूसेस सब्जेक्ट्स दिस मींस दैट आइडियोलॉजी डज नॉट सिंपली रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एज इट इज ठीक है जिस तरह वर्ल्ड है ये बिल्कुल उसको एज इट इज रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ये एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है जो कि सोशल ऑर्डर्स जो एग्जिटिंग सोशल ऑर्डर्स है चल रहे हैं उनको नेचुरल और इनैटेबल वे में प्रेजेंट करता है ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फिर स्ट्रक्चरलिज्म इसमें होता है इसमें कहा था कि जो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है ना वो मैटर करता है उस स्ट्रक्चर को देखा जाए यानी कि स्ट्रक्चर सेंटर्ड थ्योरी है ये डी कंस्ट्रक्शन उसमें कहा गया क्या इसमें कहा गया कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट किया जाए यानी कि अगेन से उसको रीड आउट किया जाए इस तरह करके मल्टीपल पर्सपेक्टिव सामने multiple meanings आ जाएंगे मल्टीपल मीनिंग्स आ जाएंगे हमारे पास सामने ठीक तो ये हमारे पास कुछ थ्योरीज थी और इन्हींज को लेके राइटर अपने इस वर्क को डिस्कस करती हैं अब हमने देख लिया कि कॉमन सेंस व्यू क्या है क्या क्या है क्या है सो ऑन कैथरीन बेल जी कहती है इनके बारे में हमें वो देखना है पहले कैथरीन बेल अपने वर्क के अंदर कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर की बात करती हैं ठीक है वो कहती हैं कि हमारा मोटो क्या है हमने देखना है कि वेयर डज द मीनिंग लाइज मीनिंग्स जो है टेक्स्ट के वो कहाँ पे होते हैं इसका दूसरी थ्योरी से क्या डिफरेंस होता है हम लोग कैसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या मीनिंग टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं क्या मीनिंग रीडर के हेड के अंदर मौजूद हैं क्या मीनिंग ऑथर के हेड के अंदर मौजूद हैं या क्या मीनिंग रीडर के इंटरप्रटेशन के अंदर मौजूद हैं या रीडिंग प्रैक्टिस करने से ही मीनिंग निकल आते हैं या कुछ प्रोसेस होते हैं इंटरप्रटेश के या टेक्स्ट का इसके अंदर क्या रोल होता है सर्टेन क्वेश्चंस वो पूछती हैं अगेन एंड अगेन और फिर वो क्वेश्चंस करने के बाद स्टार्ट देती हैं अपना कॉमन सेंस व्यू ऑफ लिटरेचर जिसमें बताती हैं कि बेसिकली लिटरेचर जो है वो कॉमन सेंस व्यू पे डिपेंड करता है मतलब लिटरेचर ऐसा लिटरेचर होता है जो कि अंडरस्टैंडेबल और रिलेटेबल हो यानी सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा हो सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करके जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाए वो कॉमन सेंस लिटरेचर कहलाता है और इसमें क्या होता है जी इसमें हम लोगों को जो ट्रुथ है कि किस पीरियड में क्या हुआ था किस पीरियड में किस टाइम पीरियड में कैसे लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड के बारे में जो जनरल ट्रुथ है जो ह्यूमन नेचर के बारे में जनरल ट्रुथ है ये उन सब के बारे में बताता है ये इनसाइट ऑफ देर ऑथर्स यानी कि जो टाइम पीरियड चल रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हो रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर ह्यूमन बींग का क्या रोल है उस टाइम पीरियड के ऑथर की क्या इंटेंशन है ये सब कुछ बताते हैं कॉमन सेंस के अंदर और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि जब हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को किसी भी थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती जब हम लोग कॉमन सेंस व्यू ऑफ़ लिटरेचर की बात करी मैं यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं तो वो वो ऐसा लिटरेचर होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती रीडर खुद रीड करते हुए टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लेता है पहले तो ये वाली बात कहती है लेकिन साथ ही वो आइडियोलॉजी की बात कर देती है कहती है आइडियोलॉजी भी जो है ना वो मैटर करती है आइडियोलॉजी क्या है वो एक डिस्कोर्स होती है यानी आइडियोलॉजी इज़ द सम टोटल ऑफ ओवर रिस्पॉन्स टू लाइफ जो हमारे लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना उसका तो जो रिस्पॉन्स है वो आइडियोलॉजी है रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स को लेकर इंस्टीट्यूशन को लेकर सब को लेकर जो भी रिस्पॉन्स चल रहा है वो आइडियोलॉजी होती है यानी बात कहाँ से स्टार्ट की कॉमन सेंस से कॉमन सेंस में उन्होंने ये कहा कि मैन जो है वही ओरिजिन है मैन ही खुद सोर्स ऑफ मीनिंग है ठीक है मैन ही खुद उसके एक्शन और उसकी हिस्ट्री ही खुद सोर्स ऑफ मीनिंग है और क्या होता है कि मैन का अपने एक्सपीरियंस मैन का अपना माइंड यूज करके जो टेक्स के अंदर मीनिंग है उसको इंटरप्रेट इंटरप्रिट किया लेकिन ये कॉन्सेप्ट लिमिटेड है हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं फिर जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं उसमें आइडियोलॉजी में कहती है कि जो हमारा पूरा रिस्पॉन्स है लाइफ को वो आइडियोलॉजी होती है जिसमें हम किस चीज़ को, 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 को देखते हैं हम इसके अंदर देखते हैं रिलीजन को पॉलिटिक्स को कल्चर को सारे इंस्टीट्यूशन को देखते हैं हम लोग यानी यहाँ पे वो कॉमन सेंस और आइडियोलॉजी को रिलेट कर रही हैं ट्रेडिशनल व्यूज़ के साथ ठीक है कि ये पास्ट से लिंक थे पास्ट के व्यूज थे फिर वो इसके बाद बात करती हैं ऑथर ओरिएंटेड थ्योरी की जिसमें हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेसिव रियलिज्म की ठीक इसमें क्या कहा गया कि जो टेक्स्ट के मीनिंग है वो लाइज करते हैं ऑथर के अपने थॉट्स ऑथर के अपने फीलिंग्स के ऊपर जो ऑथर का माइंड है ना उसी के अंदर टेक्स्ट के मीनिंग जो है वो लाइज कर रहे हैं यानी इसमें ये कहा गया कि सोर्स ऑफ मीनिंग सिर्फ और सिर्फ माइंड ऑफ ऑथर ही है अब बैल से जो है वो आइडिया रिजेक्ट कर देती हैं कहती हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट एग्जैक्टली वॉट द पॉइट इंटेंस टू से कि पोइट क्या कहने जा रहा है पोइम किस के बारे में है ये सब कुछ अगर हम देखें पॉइट के परस्पेक्टिव से तो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए हम लोग जो एग्जैक्ट उसके अंदर मीनिंग है उस तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि अगर पोइट के माइंड के अंदर ही मीनिंग मौजूद है और हम लोगों ने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे तो इसलिए जो ऑथर ओरिएंटेड थ्योरीज है ना वो उनका बता के उसको रिजेक्ट कर देती हैं कहती है, अच्छा यानी कि ऑथर के माइंड के अंदर अगर मीनिंग लाए नहीं कर रहे तो फिर कहाँ पे लाए कर रहे हैं ठीक है थीके? फिर वो रीडर ओरिएंटेड थ्योरी की बात करती हैं तो कहती है हाँ अगर ऑथर के माइंड के अंदर मीनिंग नहीं लाए कर रहे फिर वो रीडर के माइंड के अंदर हो सकते हैं जहाँ पे वो बताती हैं कि जो लिटरेरी पीस है वो माइंड ऑफ द रीडर के अंदर मौजूद है मींस जो हम लोगों ने टेक्स्ट को पढ़ना है उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है वो रीडर के पर्सपेक्टिव से करना है लेकिन जब वो रीडर के पर्सपेक्टिव की बात कर रही होती हैं तो वहाँ पे वो कहती हैं कि अगर हम रीडर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मल्टीपल मीनिंग दिखाएंगे हर रीडर की अपनी इंटरप्रेशन होगी हर रीडर उसको डिफरेंट वे में प्रसिव करेगा और हर एक वर्ड का फिर मीनिंग चेंज होता जाएगा इसका मतलब क्या है कि रीडर के पर्सपेक्टिव से मीनिंग जो लाइज है वो कॉन्सेप्ट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इस तरह से मल्टीपल मीनिंग्स को लेके उनको जज करना इट इज़ अगेन एंड इन अप्रोप्रिएट एंड डिफिकल्ट टास्क ठीक है और साथ ही साथ जब वो रीडर की बात कर रही है यहाँ पे बताते हैं कि रीडर थ्योरी में ये ये कहा गया कि टेक्स्ट जो वो रीडर सेंटर्ड होती है रीडर के माइंड के लिए मीनिंग है तो वहाँ पे वो रोनाल्ड बास को भी मेंशन करती जिन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने यह कहा इस थ्योरी के अंदर कि जो ऑथर है उसने जो कोई वर्क प्रोड्यूस कर दिया उसकी डेथ हो जाती है मीन्स वर्क प्रोड्यूस करने के बाद ऑथर की कोई वैल्यू नहीं है अब सिर्फ जो टेक्स्ट सामने मौजूद है और रीडर मौजूद है रीडर टेक्स्ट को देख के टेक्स्ट टेक्स मीनिंग इंटरप्रेट करने है तो कैथरीन बेल्स इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर देती है. वो हैं वो कहती हैं अगर ऑथर की डेथ हो जाए तो इस तरह क्या होगा जो पीस ऑफ लिटरेचर है उसको ए, एक ही टाइम में थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स निकल आएंगे ठीक है यानी कि अगेन मल्टीपल मीनिंग्स की बात कर रही हैं क्योंकि ऑथर ने जिस इंटेंशन से लिख दिया उसने लिख दिया अब रीडर इंटरप्रेट कर रहा है तो वो एक ही टाइम में थाउजेंड मिनट्स इंटरप्रेट कर लेगा मीन्स वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के भी उसमें नहीं है फेवर में नहीं है और वो ऑथर ओरिएंटेड थ्योरीज के फेवर में भी नहीं है उसको रिजेक्ट करती हैं फिर कहते चलो ठीक है कि ऑथर का माइंड भी हम कह सकते हैं उसमें मीनिंग लाइक नहीं करता रीडर सेंटर्ड भी थ्योरीज नहीं हो सकती उसमें मीनिंग नहीं लाइक करता फिर टेक्स्ट सेंटर्ड ये तीन न्यूक्रोसिज्म में कहा गया है कि टेक्स्ट इट्स सेल्फ एज मीनिंग तो मीन्स टेक्स्ट के अंदर अगर हम खुद देखें तो टेक्स्ट इट सेल्फ एज मीनिंग तो टेक्स्ट खुद अपना मीनिंग कैरी करता है हम इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर खुद ही नॉलेज है टेक्स्ट के अंदर खुद ही मीनिंग है तो हम लोगों को कोई भी दूसरे सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन वो साथ ही कहती है कि अगर टेक्स्ट इट सेल्फ एज मीनिंग तो हम लोगों ने उस मीनिंग को कैसे इवेलुएट करना है तो वो इवेल्युएशन करना भी तो डिफरेंट हो जाएगा मतलब हर पर्सन के लिए डिफरेंट टास्क है डिफिकल्ट टास्क है और हर पर्सन के लिए डिफरेंट वे में ही डिफरेंट मीनिंग आएंगे तो so, यहाँ से भी मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हैं इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर देती हैं फिर वो बात करती है उस की ठीक है जो कि एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे होते हैं अब इन्होंने आइडियोलॉजी क्या दी थी हमने डिस्कस किया था अभी इनकी आइडियोलॉजी को कि इन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजी इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी बट वेदर अ मटीरियल प्रैक्टिस दैट प्रोड्यूस सब्जेक्ट्स कि ये एक मटीरियल प्रैक्टिस होती है जैसे कि कैपिटलिज्म की बात की जाए तो उन्होंने यह कहा कैपिटलिज्म कहता है कि हम जो है यहाँ पे एक फ्री में लाइफ गुजारने आए हैं हम सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आए हैं लेकिन क्या किया उन्होंने हर जगह एक्सप्लोटेशन तो की अपनी पावर को मेंटेन रखा मटेरियल तो प्रैक्टिस uh, का मतलब क्या है कि अपनी पावर को मेंटेन करके दूसरों के अंदर अपने आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म कर देना डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को यूज़ करते हुए ठीक तो यही कॉन्सेप्ट दिया एल्थ्यूजर ने लेकिन ऑन कंट्रेरी कैथरीन थ्री बैल से कहती हैं कि एल का जो कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी का शी फेवर्ड ठीक है वो उनको फेवर करती है इस कॉन्सेप्ट इस कॉन्प्ट तो इतना ले के चलती हैं वो अपनी राइटिंग के दे लेकिन साथ ही साथ वो कहती हैं कि एल्थ्यूजर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है कल्चरल डायनामिक्स की ठीक है और जब कैथरीन बाल्स से आइडियोलॉजी की बात कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो होल इन्वायरमेंट इन विच वन लिव्स ठीक है इसकी बात कर रही हैं वो कहते हैं आइडियोलॉजी इज बोथ अ रियल एंड एन इमेजिनरी रिलेशन टू द वर्ल्ड जबकि एल्थ्यूजर ने कहा था ये रियल नहीं है ठीक है ये रिफ्लेक्शन है सॉरी so, ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है मीन्स एल्थजन ने कहा था आइडियोलॉजी रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी नहीं है लेकिन एक मटेरियल प्रैक्टिस है जो प्रोड्यूस करती है सब्जेक्ट्स को जबकि कैथरीन बल से कहती हैं आइडियोलॉजी बहुत रियल भी है और इमेजिनरी रिलेशन टू द वर्ल्ड भी है वो कहती है कि एल्थीजन ने जब आइडियोलॉजी की बात की तो उन्होंने इसको मेटीरियल प्रैक्टिस से रिलेट किया लेकिन साथ साथ अगर हम कैथरीन का बिलीफ देखें तो कहती हैं आर्डियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ जो मेटीरियल प्रैक्टिस तक लिमिटेड नहीं है इसमें होल इन्वायरमेंट यानी कि फीलिंग्स था बिलीफ लैंग्वेज प्रैक्टिस सब कुछ आ जाता है जब उन्होंने का आर्डियोलॉजी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया अपना व्यू शेयर किया तो इसके बाद कहती हैं कि हम लोग अगर प्रॉपर वे में देख चाहते हैं ना मीनिंग टेक्स्ट का तो ये भी मैटर नहीं करता क्या करता है मैटर स्ट्रक्चरलिज्म वो फिर स्ट्रक्चरलिज्म सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की बात करती हैं और कहती हैं कि जो टेक्स्ट है वो स्ट्रक्चर सेंटर्ड है नीज टू से दैट कहती हैं कि अगर टेक्स्ट का हम मीनिंग देख जाते हैं तो रियल मीनिंग जो है वो स्ट्रक्चर वर्क ऑफ लिटरेचर के अंदर लाया करता है वो स्ट्रक्चरलिज्म को और डी को डीकंस्ट्रक्शन को लिंक करती हैं वो कहती हैं कि अगर हम लोगों ने एक टेक्स्ट का रियल मीनिंग फाइंड आउट करना है तो हमें चाहिए कि हम टेक्स्ट के स्ट्रक्चर्स को डीकंस्ट्रक्ट करें हम डीसेंटर्ड करें क्योंकि जो मीनिंग फाउंड फाइंड आउट करने का बेस्ट वे है वो डी कंस्ट्रक्शन को स्ट्रक्चरिज्म को पैरल लेके इस थ्योरी को अप्लाई करके ही हम लोग बेस्ट मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक यानी कैथरीन थ्रियन ने जितने भी ट्रेडिशनल लिटरे थे उन सब के व्यूज़ को डिस्कस किया उन व्यूज़ को डिस्कस करने के बाद उन सबको रिजेक्ट किया अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उन सब के थ्योरीज को डिस्कस करके उन थ्योरीज को रिजेक्ट किया रिजेक्ट करने के बाद एंड पे उसने एक थ्योरी फाइनल की वो डीकंस्ट्रक्शन किया और डी कंस्ट्रक्शन को स्ट्रक्चरिज्म के साथ लिंक किया और क्या कहा कि स्ट्रक्चरिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेंटर्ड होता है और किसी भी टेक्स्ट का जो रियल मीनिंग है वो लाए कहाँ कर रहा है स्ट्रक्चर्स के ऊपर और कभी भी आपने एक टेक्स्ट का रियल मीनिंग फाइंड आउट करना हो तो आपको चाहिए क्या करें आप डीकंस्ट्रक्ट करें पॉइंट को इनटू इट्स कंपोनेंट्स और डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद जो इसके वेरियस एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को एनालाइज करें एनालाइज करने के बाद करें, ठीक है ये जो प्रोसेस है पोइम कहा करना, करना, गया है कि दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन और ये एप्रिसिएशन का प्रोसेस बेसिकली प्रोसेस ऑफ कहलाता है बेलजे के अकॉर्डिंग तो क्या कहती हैं कहती हैं कि हम लोग जो है ना पोइम को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं हम इसके बेसिक बेसिक मटेरियल तक पहुंचते हैं उन बेसिक मटीरियल तक पहुंच के हम क्या करते हैं जो पोएम जिनको जिनको लेके पोएट ने एलिमेंट्स को लेके पोएम को कंस्ट्रक्ट किया था उन तक पहुंच जाते हैं तो टू सम अप अकॉर्डिंग टू बेल्ज जो अप्रोच है अप्रोप्रियट अप्रोच वो कौन सी अप्रोच है स्ट्रक्शलिस्ट की अप्रोच है और स्ट्रक्चरलिस्ट के साथ साथ डीकंस्ट्रक्शन की अप्रोच है क्यों वो जितनी भी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज थी उनको रिजेक्ट करती हैं कहती हैं कि जो मीनिंग है वो वर्बल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सट्रैक्ट के अंदर लाया करती है हम लोगों को ऑथर टाइम इन्वायरमेंट आइडियोलॉजी इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए वट वी नीड इज टू कंसिडर द वर्ड्स ऑन द पेज ठीक है जो वर्ड्स है पेज के ऊपर वही मैटर करते हैं जैसे कि वर्ड्स में मेटाफर्स सिमिली सिम्बल्स उनकी इंटरप्रे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं देन इट्स आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री ठीक है ये था हमारा क्रिटिकल प्रैक्टिस सिंपल सा व्यूज़ था जिसमें उसने पहले रीडर सेंटर्ड थ्योरीज की बात की टेक्स्ट सेंटर्ड थ्योरी की बात की ऑथर सेंटर्ड थ्योरी की बात की ऑलथिजर का रेफरेंस दिया रोनाड बास का रेफरेंस दिया डेथ ऑफ ऑथर की बात की और सब कुछ करने के बाद एंड में फाइनलाइज फाइनलाइज ये किया कि सारी थ्योरीज जाए बाड़ में जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन तो क्या करना जी स्ट्रक्चर को लेके डीकंस्ट्रक्ट करना है उसको डीकंस्ट्रक्ट करके आप जितने भी रियल मीनिंग्स हैं वो फाइंड आउट कर लोगे दैट्स ऑल तो हमारा यहाँ पे लेक्चर हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको जो आज की वीडियो है वो समझ आ चुकी होगी. इसमें कोई भी कंफ्यूज बाकी नहीं रही होगी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा स्टे टून दस टेक केयर